अब जो ये मनावर मना बड़ी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया वो क्या है, बहुत सक्सेसफुल रहा। और इसके इसकी वजह से क्या है मालूम है, तमाम मदारिस में क्या है जो मुश्किल थी उसको पूरा किया गया। हमारे स्कूल में कई दिनों से क्या है बैतुल खला की सहूलत नहीं थी और ड्रिंकिंग वाटर पानी की सहूलत नहीं थी। बच्चे अपने साथ में क्या है पानी लेके पानी के बाटल लेके आते थे, लेकिन आज मनाऊर मना बड़ी प्रोग्राम के तहत क्या है ड्रिंकिंग वाटर की सहूलत हो गई और क्या है लड़कियां और लड़कों के लिए अलग अलग बैतुल खला बनाए गए। और क्लासों में भी क्या है हर क्लास में तीन तीन फैन, दो ट्यूबलाइट और क्या है ड्यूल डेस्क लाए गए, जिससे तुलबा भी बहुत खुश है और क्या है हमको आगे और भी एडमिशन होने के हमको चांस। तेलंगाना गवर्नमेंट सीएम साहब की जानिब से जो स्कूल के डेवलपमेंट्स हो रहे उसके अंदर एक वार्ड नंबर 42 का हमारा एक स्कूल है, जिसमें से 16 लाख रुपए की लागत से स्कूल को डेवलपमेंट्स किया गया। डेवलपमेंट्स मीन जो फर्श नहीं था, जो दीवारें नहीं थी, जो बाथरूम नहीं थी। और ये बार बार ये मसला हो रहा था कि ये हेडमास्टर मैडम हमारे को मैं काउंसलर रहने की जिम्मेदार रहने की जानिब से बार बार ये मेरी नज़र में लाते थे। तो जब स्कूल के अंदर आते थे बारिश होता था तो पूरा पानी टखनों तक रहता था। तो मैं मेरी अपनी खुदी से एक तीन ट्रैक्टर मुरम डलाते हुए प्रेयर करने के लिए उसको लेवल रहना बच्चों को खड़ेने के लिए बोल के मैं अपनी तरफ से जो जुस्तजू हूँ वो कर सका। और बाकी जो मैं माजी में जब मैं जैसा रियाज मामा बोले 50 साल से ऐसी मामला है डेवलपमेंट नहीं हुआ, मामा ऐसा नहीं है। गुज़िश्ता में आप हेडमास्टर इस स्कूल के थे, मैं वाइस चेयरमैन था, बिल्डिंग को
सर्व शिक्षा अभियान के उसमें गुज़िश्ता माजी में बहरहाल इलेक्शन होते वोट आता, कोई जीतते कोई हारते, डेवलपमेंट को लेने वाली चीज़ नहीं रुकती। क्यों टीचर्स की बिल्कुल एक जो कमी है मैडम सर, एक आध टीचर भी अगर लगाते स्कूल में स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से दोनों टीचर्स परेशान हो रहे थे, तो हम भी रिप्रेजेंट कर रहे थे। आप अगर आने वाले दिनों के अंदर एक टीचर अगर कोई स्कूल को जैसा आज जैसा नीड है, हमेशा का ऐसा नीड होने के वास्ते बोले तो भी एक काम करने के लिए एक अटेंडर होना चाहिए और एक टीचर होना चाहिए। हमारी रिक्वेस्ट है साहब आपसे, इसलिए कि हम आपको ही बोल सकते कोई भी चीज़ रहे तो आप जुस्तजू करके अगर कराए तो बेहतर रहता। और आज हमारे मेरे वार्ड के अंदर, हमारे वार्ड के अंदर जो आज स्कूल के बेंच और स्कूल के बाकी और चीज़ों के डेवलपमेंट्स के वास्ते जो जुस्तजू करे MLA साहब का, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और भी आने वाले दिनों के अंदर मेरे वार्ड के अंदर अगर कोई रिप्रेजेंट करा मैं आपसे, तो आवाम के वास्ते करूँगा साहब, मेरा कोई पर्सनल नहीं रहता। सियासत होते रहती है, इलेक्शन होते रहता, आते रहता जाते रहता, जिम्मेदार बनने के नाते मैं पूछता हूँ, मेरे को भी आवाम पूछते रहती तो मैं भी आपको बोलते रहता हूँ साहब। लिहाजा आने वाले दिनों के अंदर वार्ड के डेवलपमेंट्स कुछ भी रहे तो आप जुस्तजू से काम करना बोल के मैं ये मेरे अपने ख्याल आपके सामने रख रहा हूँ। और जो वक्त दिया गया है मैं MLA साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने प्यारे बच्चों को मैं बेस्ट विशेष कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द चिल्ड्रन। देखो सर, जैसा बोले मंसूर भाई, तरक्की तो होते ही रहते, फिर ये करने के बाद फिर एक प्रॉब्लम उठते ही रहते, ये प्रोसेस। मगर KCR साहब के सरकार जो भी काम कर रहे अगले मुस्तकबिल के लिए कर रहे, अब के लिए नहीं। वो एक ही सोचना, अपन अब के लिए करने वाले पॉलिटिशियन रहते हैं, के लिए काम कर रहे वही सोच के तालाबा देखो, काकती वाला संभालना, निजाम संभालने नहीं, फिर एक उनको तरंग कोसम, फिर अगले मुस्तकबिल के लिए आज 4,500 करोड़ से पूरे तालाब शुरू काम करें, पूरा तरक्की करें। पानी का टैंक पहले बने नहीं बने बोल के नहीं, वाटर टैंक्स, मगर अब जितने बने 60 साल में जगत्याल में, ये 6 साल में उतना पानी का टैंक बने, उतना पाइपलाइन डाले। वैसे एक एक देखते गए तो अब जो स्कूल है, जितने भी हाई स्कूल्स प्राइमरी स्कूल जयताल टाउन में है, एक ही बार 10 करोड़ से ये पूरे स्कूलों का तरक्की हो रहा है। आप देखिए कल फोर्टा स्कूल होने दो, न्यू हाई स्कूल होने दो, भीड़भाड़ स्कूल, धरूर कैंप, गांधीनगर, काजीपुरा, पूरा काम शुरू हो गया, वीकली वार शुरू हो रहे। ये तो हमारा इंजीनियर साहब, हमारा शौकत भाई पूरा कंप्लीट करते हैं, उसको शुक्रिया अदा करता हूँ। ये पूरे इसके मेजर माइनर रिपेयर्स, बाथरूम, वाटर, करंट, फ्लोरिंग, बेंचेस, ब्लैक बोर्ड पूरे तरह से कंप्लीट हुए, पूरे लगे 22 लाख रुपए खर्च करे, 22 लाख रुपए है नया बल के नहीं, बहुत सालों से कैसे थे बाथरूम, अब एक बार जाके देखो, जरूरत गए तो कैसे है बच्चों को, बहुत सालों से पीने के बच्चे को पानी नहीं लाते थे, अब जाके देखो हाथ धोने के लिए, पानी नहाने के लिए। और हाई स्कूल में तो डाइनिंग वाला बना रहे, मैं गुजारिश करता हूँ हमारा वाजिद साहब से, खाजीपुरा स्कूल में पहले डाइनिंग वाल वो थर्ड फ्लोर में डाल लेना, वो पैसों से तो मंजूर हो गए, वहाँ भी 60-70 लाख रुपए मंजूर हो गए, थोड़ा जगह का मसला है, मगर ऊपर डाइनिंग हॉल तो डाल दिए तो बेहतरीन, वहाँ कुछ मीटिंग रखने के लिए होने दो, खाने के लिए होने दो, बच्चों के लिए प्री फाइनल एग्जाम के टाइम पर बैठने के लिए, सबके लिए यूज़ होते। पहले वो एक बार जरूर करिए, ऐसे ही बाथरूमों का पानी का मसला पूरा खत्म हो जाना, अगर सामने का जगह कुछ है तो बाद में देखेंगे, पर जितना हो सके तो होता, आप जितना जल्दी बोलते तो होता जल्दी कराना। वैसे ही ओल्ड हाई स्कूल के लिए ऑलमोस्ट 1,40,00,000 रुपये मंजूर हो, गर्ल्स हाई स्कूल है अभी 2 करोड़ है, 7,300 करोड़, 20,000 स्कूल, इसमें कौन पढ़ते, गरीब बच्चे पढ़ते, वो लोग गरीब बच्चे खाने के बाद क्या खाने मिलते थे, वो चावल वो लोग मुँह में नहीं लगा सकते थे, मोटे मोटे इतना थे, आज सन्न भी हम इतना वालक। इंग्लिश मीडियम शुरू करे तो आपके मादरी जुबान, अपने मादरी जुबान नहीं भूलना बोल के, वही किताब में एक साइड इंग्लिश, एक साइड उर्दू, एक साइड इंग्लिश, एक साइड तेलुगु,
कहाँ आया क्या मुल्क में, एक साइड हिंदी एक साइड इंग्लिश, कहाँ तो भी है पूरे मुल्क में, कहाँ तो भी है एक साइड उर्दू एक साइड इंग्लिश, कहाँ पूरे मुल्क में, कहाँ तो भी है। इंग्लिश भी आना जरूरी है, ग्लोबलाइजेशन हो गए, अपने बच्चे दुबई जा रहे, अमेरिका जा रहे, लंदन जा रहे, ऑस्ट्रेलिया जा रहे, न्यूजीलैंड जा रहे, कहाँ कहाँ जा रहे, तो इंग्लिश इज ऑल्सो कंपल्सरी। तो किताबा इतना केयरफुल कंप्लीट है, आप एक बार ये स्कूल देखे तो आपको मालूम हो रहा कितना अच्छा प्लान करे। ब्लैक बोर्ड देखो, ग्रीन चाक बोर्ड, कभी देखे क्या आपने जिंदगी में ऐसा ब्लैक बोर्ड, ऐसा बेंचेस कहाँ प्राइवेट स्कूल में देखे। मैं जितना स्कूल है प्राइवेट जयचाल जिले में देखा हूँ, कहाँ भी ऐसा नहीं है। इमाद भाई बोला अगर कहाँ है तो मेरे इसमें तो मैं तो नहीं देखा हूँ। और बेंचेस डाले तो भी, और एक बात मैं बोल रहा हूँ साहब, आप रिटायर्ड हेडमास्टर है, इससे पहले बेंचेस डाले तो एक फीट का दो फीट का रहते थे, बच्चे बैठे तो पाँव ऊपर ये होते थे, तकलीफ होते कमर खींच से। अब ऐसा नहीं, फर्स्ट क्लास बच्चों को कैसा रहना बेंच हाइट, थर्ड क्लास बच्चे को बेंच हाइट कैसा रहना, पांचवा क्लास को कैसा रहना, सातवां क्लास कैसा रहना, एज के मुताबिक बच्चों को थोड़ा भी तकलीफ रहना, कम्फर्ट रहना, गरीब बच्चे भी अच्छा सुकून से बैठना, अच्छा तालीम देना बोल के वो है अपना सरकार का मसला। ये एक एक रूम को चार फैन चार ट्यूबलाइट, कैसे सब कैसा प्लान करे सुन से, किसी भी स्कूल आने दो ऐसे ही बनाना, किसी भी स्कूल टॉयलेट्स ऐसे ही रहना, टॉयलेट्स ऐसा ना रहे। किताब प्रिंट करके दिए इंजीनियर साहब का मकसद शौकत का कुछ है, उसमें जो लीक है तो क्या केमिकल लगा के लीक प्रूफ डालना, वो भी गेट वहाँ से ही आया, पूरा क्वालिटी क्वालिटी के मुताबिक रिपेयर्स चलना। अगर वो क्वालिटी मेंटेन नहीं करे तो ये इंजीनियर्स का ही जिम्मेदारी रहता। तो लोग मेंटेन कर रहे हैं, अब तक तो दो स्कूल देखा हूँ, कुमारपेली में देखा हूँ शुरू हो गए, आज जयचाल टाउन में यही पहले स्कूल, ये तो अच्छा दिख रहा। और भी कुछ है तो बाद में भी थोड़ा ये करिए। सबको सलाम, थैंक यू वेरी मच।